सॉरी, मम्मा ने आपको डरा दिया ना? नहीं, मुझे आपको सॉरी नहीं चाहिए। अब पहले ये बताओ, अब यहाँ क्यों आए, बीमार क्यों पड़े? ये सब उन खड़ू अंकल ने किया है ना, मैंने देखा, उन्होंने फ्रेंड किया आपको, तभी वो मुझे अच्छे नहीं लगते। फिर भी मैं उनको सॉरी बोलने के लिए आई थी, बट अब नहीं बोलूंगी मैं, उन्होंने आपको बीमार किया। अब आप मुझे फिर से छोड़ के जाओगे ना, जैसे बीपी पीयू को छोड़ के गए थे? छोड़ के तो नहीं चली जाओगी ना तो मुझे क्रिश के कहने पर, ये जानते हुए कि मुझे कितनी जरूरत है तुम्हारी प्रिया। ओहो, इतने सारे आंसू। आपको पता है ना, ये आंसू कितने प्रेशियस होते, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप भी मेरे लिए प्रेशियस हो सबसे ज्यादा। पता है, तभी तो देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई ना। आपको ये साइड में सुई भी लगी और वाटर बॉटल भी। वाटर बॉटल नहीं, सलाइन है ये। हाँ, मूवीज में देखा है मैंने, पर वो तो हॉस्पिटल में होता है। खड़ू सर्कल का घर क्या हॉस्पिटल है? नहीं बेटा, ये उनका रूम है, और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि वो मुझे जल्दी से ठीक कर दे, और कहा कि डॉक्टर से कहा? हाँ बेटा, वो है ही सबसे अच्छे, सबकी मदद करते हैं। तो उन्होंने आपको बेहोश क्यों किया? बेटा, उन्होंने मुझे बेहोश नहीं किया, वो तो मम्मा ने फास्ट रखा था, सुबह से कुछ खाया नहीं था, वीकनेस हो गई और मम्मा गिर गए। तो आप प्लीज कभी फास्ट मत रखो, वरना बीमार पड़ जाओगे और मुझे छोड़ के चले जाओगे। जैसे जब मैं बॉर्न हुई थी ना, तब चले गए थे ना? बेटा, अब चाहे कुछ भी हो जाए ना, मम्मा आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी, कितनी भी बीमार हो जाए, पर वैसे नहीं जाएगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस, इसका मतलब प्रिया ने पीहू से उन दो सालों का सच ये कहकर छुपाया है कि वो बीमार थी। मैं सिर्फ एक बात पूछूं। बस एक ही। आपने तो बोला था आप तो एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, आप खड़ू अंकल के यहाँ क्यों आए हो? उनकी हेल्प करने के लिए बेटा। हेल्प मिस्टर खड़ूस की? पीहू, पहले तो आप उन्हें ये बुलाना बंद करो। पर क्यों करनी है उनकी हेल्प, वो अच्छे नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मम्मा आपसे दो बातें कहेंगी और आपको ये दोनों बातें याद रखनी। फर्स्टली, वो आपसे बड़े हैं, आप उनसे ऐसे बात नहीं करोगे, और दूसरी बात, आपको जितने खड़ूस वो लगते हैं ना, उतने हैं नहीं, बल्कि आपको पता है उन्होंने इतनी सारी और इतनी बार मम्मा की हेल्प की है, वो भी बिना मांगे। और सिर्फ मम्मा की नहीं, उन्होंने सारा मासी की, सैंडी मासी की, ईशान भैया की, सबकी हेल्प की है। जब कोई हमारी मदद नहीं करता था ना, तब वो एंजल बनके हमारी हेल्प करने आते थे। सच जी, बिल्कुल एंजल की तरह। बिल्कुल एंजल की तरह। तो अब आप बताओ, अगर उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है तो क्या हम उन्हें मना कर दें, उनकी हेल्प ना करें? हाँ, मींस मुझे भी उनकी हेल्प करनी है। हाँ, बस कुछ दिनों के लिए, बताओ आप करोगे ना? हेल्प और मिस्टर खड़ूस की? पहले तो आप उन्हें ये बुलाना बंद करो। पर क्यों करनी है उनकी हेल्प, वो अच्छे नहीं है। आप मुझे फोर्स करोगी क्या मिस सूट? कभी नहीं करूंगी। आज से पहले मैंने कभी आपको फोर्स किया है, तो आज भी बिल्कुल नहीं करूंगी। हम ना मिस्टर कपूर से कह देंगे कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, और मैं उन्हें मना कर दूंगी। ओके? इससे पहले तो मुझे मना करो, मैं खुद तुमसे कह दूंगा थैंक यू वेरी मच, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। पर इसमें उनका कोई लॉस नहीं होगा, आपका लॉस होगा सबसे बड़ा। वो कैसे? वो ऐसे कि ये हमारा एक और नया एडवेंचर होता। एडवेंचर? हाँ, ये बिल्कुल एक नए एडवेंचर जैसा ही होगा ना। कौन सी एडवेंचर? देखो, हम यहाँ पर रहेंगे, नए रोल्स प्ले करेंगे, और ये रोल्स बिल्कुल पहले से अलग होंगे। पता है, हम ना ऐसे एक्ट करेंगे जैसे हम एक फैमिली एडवेंचर पे हैं, एंड इस फैमिली एडवेंचर में आप होंगे, मैं होंगी, और मिस्टर खड़ूस। हाँ, और ये एडवेंचर ना सिर्फ नॉर्मल बोरिंग एडवेंचर नहीं होगा, इसमें हम बहुत सारा मजा करेंगे और किसी की हेल्प भी करेंगे, एक अच्छे इंसान के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको ये सच में करना है? हाँ, लेकिन पर मम्मा ये अकेले नहीं कर सकती, इसमें मम्मा को पीहू की हेल्प चाहिए। अगर आप रेडी होगे तो हम तभी करेंगे। आपसे एक और बात पूछूं, आपको खड़ू अंकल की हेल्प इसलिए करनी है ना कि वो आपके प्रिंस चार्मिंग जैसे लगते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.